हूँ श्रेया। मैं हूँ सुबी। और हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यूज बाय श्रेया एंड शुबी। रिव्यूज बाय श्रेया एंड शुबी। एंड वी आर वेरी सॉरी कि हम पिछले 2 वीक से आपको कोई रिव्यू नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअली हम प्लांटिंग में थोड़ा बिजी हो गए थे एंड किसी भी सीड को जर्मिनेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो उसकी वीडियोस आप पे उधार रही, वो आनी अभी बाकी है। तब तक हम आपके लिए कुछ एक छोटा सा रिव्यू है इसमें, जो ये पीछे आप ग्रीन शेड देख रहे हैं इसके बारे में, एंड थोड़ा सा आपको अपने गार्डन के बारे में दिखाएंगे। बट इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस हैं जो मेरे को मेरी ट्रेडमिल वाली वीडियो पे आए थे। सो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वो ट्रेडमिल वाले में जो मुझे प्राइस पड़ा था फॉर अबाउट 16 वीक्स, इट वॉज 13,000 समथिंग। एंड मैं आपको अभी यहाँ पे ही उसका लिंक बता देती हूँ, इट इज़ www.inhousegym.com। सो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया, बट आई डोंट नो वाई यूट्यूब उन्हें नहीं दिखा रहा है। इट वॉज़ नॉट दैट काइंड ऑफ, इट वॉज़ नॉट एन इंसल्टिंग कमेंट, बट यूट्यूब इज स्टिल नॉट शोइंग इट। सो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या रीज़न है। एंड किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं दिया है, सो मैंने लिंक दिया था, बट हो सकता है क्योंकि मैंने वहाँ पे www. नहीं लगाया था तो आपको नहीं समझ में आया। सो आई एम रीइटरेटिंग इट हियर, इट इज़ www.inhousegym.com। देन किसी ने उस पर कमेंट किया था क्या ये रेंट मंथली बेसिस पे है, बट नहीं, ये रेंट मंथली बेसिस पे नहीं है। दे टेक दिस अप फ्रंट 13,000, लेकिन हमने उनसे बात करी थी तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में उनसे बात करी थी। लाइक हमने 5,000 पहले दिया, सॉरी हमने 6,000 पहले दिया विथ सम सिक्योरिटी जो उसकी फ़ीस है वो, देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने 15 दिन बाद की रखी थी। बट वट एवर योर फाइनेंशियल्स आर, आप उसके हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी दिस ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ आर्स। सो ये हमारा ग्रीन शेड है जो कि 10x6 meters का है, जो कि मुझे अराउंड 700 rupees का पड़ा है। एंड बट अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने अमेजोन से मंगा लिया है, लेकिन बाकी का भी मुझे कवर करने के लिए चाहिए, जो कि गर्मियों में भी काम आएगा। एंड अभी क्योंकि धुंध है, ओस पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बहुत काम आ रहा है। सो मुझे पूरा कवर करने के लिए मैं इसे ऑफलाइन बाय करूँगी, नर्सरी से या कहीं और से, बिकॉज़ वहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे चीप पड़ेगा। सो अराउंड दिस 10x6 मुझे जहाँ 700 में पड़ा है वहाँ 500 में पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा लेना चाहूँ तो ऑब्वियसली ये मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा कम हो सकता है। इसके साथ आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने गार्डन का थोड़ा सा टूर। सो शुभी, कैन यू प्लीज़ टेक ओवर फॉर द गार्डन टूर? यस। ओके, कैन यू टेल अस व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट? वी आर गोइंग टू लुक एट आवर टमाटोज। आवर टमाटोज, एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लेटस। सो ये लेटस हम नर्सरी से लाए थे, बट देख सकते हैं इनकी ग्रोइंग रेट बहुत अच्छा है। लाइक दिस इज़ ओनली 1 month old एंड ये ऐसा था छोटा एंड ये इतना ऊपर तक आ गया है। इसके साथ ही हमारे पास टमाटोज भी आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 छोटे छोटे टमाटो ग्रीन कलर के आ गए हैं। इनको राइप होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल एटलीस्ट वी हैव अ स्टार्ट। एंड हमारे क्रिसेंथमम अब जाने लग गए हैं, सो उनका टाइम होने वाला है। बट हमारे पास कुछ न्यू प्लांट्स हैं जो कि अभी ग्रो करेंगे एंड इनके बारे में भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। हिबिस्कस की भी हमारे पास कुछ नई वेराइटीज़ आई हैं। रोज़ भी मेरा हालांकि फ्लावर नहीं कर रहा है, बट प्लांट मर भी नहीं रहा है, सो आई एम हैप्पी देयर। एंड दिस इज़ ऑल्सो हिबिस्कस जो कि थोड़े दिन में ब्लूम करने वाला है। ये वाला भी येलो हिबिस्कस है जो कि ब्लूम करने वाला है। मेरे चिली का पौधा वो बहुत ही सही चल रहा है। आई हैव टेकन अबाउट 7 to 10 चिलीज फ्रॉम इट एंड आई थिंक हमारे पास आज भी कुछ चिली हैं यहाँ पे, बट वी विल वेट कि ये थोड़े से और बड़े हो जाएं, उसके बाद हम इन्हें लेंगे। होपफुली आपको हमारे गार्डन की ये वीडियो पसंद आए, एंड अगर आप चाहें तो इसे शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। एंड
अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। सो ये हमारे डालिया के प्लान से जो हमने अलग से लगा दिए थे, एंड ये आई थिंक बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो बीच का खाली पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मैरीगोल्ड के सीड्स डाले हैं, मैरीगोल्ड के जॉल्स वाले जो सीड होते हैं वो डाले हैं। एंड जैसा कि ये पीछे वाले देख सकते हैं, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। ये मेरे पिटूनिया के फ्लावर्स हैं, ये बुद्धा मैंने नॉर्मली रोड साइड से लिया था, ये मुझे 2000 में सारा मिल गया था। देन आई हैव लेमन ग्रास, दिस इज़ मनी प्लांट जिसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये भी मैं नर्सरी से लेके आई थी। दिस इज़ अ नॉर्मल मनी प्लांट, एंड ये एरो हेड प्लांट बोलते हैं इसको, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसको भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड बुद्धा के ऊपर जो ट्री है, दैट इज़ आर क्रिसमस ट्री। देन यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे ये थोड़े से इसमें पत्ते आ गए हैं, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने इसमें रेन लिली के बल्ब्स लगाए थे, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये बल्ब्स स्प्राउट कर गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। इसमें भी कुछ बल्ब्स हैं बट वो स्प्राउट मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़े दिन इसी में रहने दूंगी, एंड वी विल सी कि कैसा रहता है। इसके अलावा आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने रजनीगंधा के बल्ब भी मंगवाए थे, वो भी एक्चुअली स्प्राउट कर गए हैं, देख सकते हैं आप। दिस इज़ रजनीगंधा, दिस इज़ ऑल्सो रजनीगंधा, एंड यहाँ पे भी जो ये बल्ब से निकल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो ऑल ऑफ देम आर रजनीगंधा। ये डबल पेटल वाले थे, सो अभी देखते हैं कि जब तक ये पूरा आता है तब तक कैसा रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड पुश द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, होपफुली आप आगे देखना चाहें इस टाइप की वीडियोस को, तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। राइट शुभी, राइट। सो टिल देन, बाय 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 बाय।